रविवार को मानस भवन में गंज बासुदा को जिला बनाने के लिए हुई सर्वदलीय बैठक के बाद आज सभी पत्रकारों ने केंद्रीय कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री और परिसीमन आयोग के नाम नायब तहसीलदार सविता पटेल को ज्ञापन सौंप कर गंज बासुदा को जिला बनाने पर शंखनाद किया है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि गंज बासुदा को जिला बनाने की मांग बरसों पुरानी है। यह जिला बनने के सभी मापदंडों को पूरा करता है। यहाँ सबसे बड़ी अनाज मंडी, पत्थर मंडी, कृषि महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, पर्यटन स्थल सहित अन्य व्यवस्थाएं हैं। यह नगर वर्तमान में विदिशा जिला मुख्यालय के समक्ष ही विकसित एवं समृद्ध है। साथ ही यह रेलवे एवं सड़क मार्ग से सभी प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है। यहां से रेलवे एवं राजस्व आय भी जिले के बराबर ही होती है। वर्तमान में प्रदेश में मौजूद कई प्रमुख जिलों की जनसंख्या एवं भौगोलिक स्थिति को देखते हुए गंज बासुदा उन सबसे बेहतर स्थिति में है, इसलिए गंज बासुदा का जिला बनाया जाना सर्वथा न्याय संगत होगा। नगर के पत्रकारों का आपसे अनुरोध है कि गंज बासुदा को जिला बनाने की मांग को अभिलंब स्वीकार किया जाए। यदि इस मांग पर कार्यवाही नहीं होती है तो नगर के पत्रकार सभी राजनीतिक दलों, संगठनों, नागरिकों एवं ग्रामीणों के साथ चरणबद्ध आंदोलन करने पर बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस मांग पर अवश्य सकारात्मक कार्यवाही करेंगे। विदिशा से आशीष सहल की रिपोर्ट। रेलवे यहाँ से रेलवे एवं राज्य के बराबर होती है। वर्तमान प्रदेश में मौजूद प्रमुख जिलों में जनसंख्या एवं भौगोलिक स्थिति को देखते दिया है, किन मांगों को क्या कहना चाहेंगे? देखो, जिले की जो मांग है पूरे क्षेत्र की मांग है और यहाँ वो तमाम मापदंड जो उसके तहत होते हैं वो हमारे जिले में, चाहे शैक्षणिक संबंधित हो, संस्थाओं संबंधित, या अनाज मंडी हो, या पत्थर व्यवसाय हो, ये तमाम चीजें शासन को राजस्व भी ज्यादा देती हैं और यहाँ पे आवागमन के साधनों के माध्यम से भी तमाम ट्रेन स्टॉपेज भी हैं और शैक्षणिक संस्थाओं के कॉलेज वगैरह भी हैं। यहाँ पे जिला का होना बहुत आवश्यक है क्योंकि सीमाओं के यदि देखा जाए तो यहाँ से विदिशा की दूरी 50 किलोमीटर है। बेहतर होगा कि इसे गंज बासुदा को जिला बनाया जाए। गंज बासुदा का प्रदेश में जिस तरह से जो है वो जिले बनाए जा रहे हैं और उसमें गंज बासुदा एक महती जो है आवश्यकता और लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है। गंज बासुदा उन तमाम मापदंडों पर खरा उतरता है जो जिला बनाने के लिए आवश्यक है, चाहे वो व्यापारिक हो, शैक्षणिक हो, आवागमन के साधन हो, या भौगोलिक दृष्टि से बात की जाए तो भौगोलिक दृष्टि की बात हो तो भी जिले के जो प्रदेश के तमाम जिले हैं उनसे कहीं बासुदा जो है वो ज्यादा बेहतर स्थिति में है। और बासुदा को अगर जिला बनाया जाए तो दूर दराज के तमाम जो गाँव है जिनका जिला मुख्यालय तक पहुंचना बड़ा दुर्लभ है वो तमाम गांव यहाँ गंज बासुदा से सीधे सीधे जुड़ सकते हैं और यहाँ पर जिले से मिलने वाले सुविधाएं और जिले में होने वाले काम यहाँ के ग्रामीणों के लिए, खास तौर से अगर बात करें तो छात्रों, किसानों और कर्मचारियों के लिए यह स्थान बहुत ही उपयुक्त होगा। और इसको अगर जिला बनाया जाता है तो यहाँ पर जो है वो गंज बासुदा ही नहीं बल्कि अगर प्रदेश में देखा जाए तो गंज बासुदा एक अलग अपना स्थान रखेगा और ये एक जाना पहचाना एक अच्छा खासा जिला होगा। गंज बासुदा जिला बने इसके लिए आज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकारों ने आज यहाँ आकर ज्ञापन दिया है। गंज बासुदा जिला बनने का अधिकार इसलिए है, गंज बासुदा विदिशा जिले की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ से लाखों रुपए की आय शासन को होती है। दूसरा, पत्थर मंडी भी गंज बासुदा में है, देश ही नहीं विदेशों में भी यहाँ का पत्थर जाता है, उससे भी रॉयल्टी के रूप में शासन को लाखों रुपए मिलते हैं प्रति माह। इसके अलावा गंज बासुदा नगर विदिशा जिले के मध्य में है, इसलिए गंज बासुदा जिला बनना चाहिए। सिरोन के लोगों को, पठारी के लोगों को, पुरवई के लोगों को, ग्यारह ये आपने त्योंदा
आदि ये जो है तहसीलें उप तहसीलें ये गंज वासुदा से जुड़ जाएंगी और निश्चित रूप से सभी को इसका लाभ होगा। हम चाहते हैं कि इसमें व्यापारी और नगर के जितने भी संगठन हैं हमें सबको सहयोग करें। जय हिंद जय भारत। देखिए जब से ये संभावनाएं आई हैं कि प्रदेश में परिसीमन आयोग के द्वारा प्रदेश के सभी शहरों का परिसीमन करके नए जिलों को बनाया जा रहा है, उसी को लेकर गंज वासुदा में भी बरसों पुरानी मांग चली आ रही है, क्योंकि गंज वासुदा हर एक स्थिति से जिला बनने के लायक है। इसमें हर एक प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं और जब इस बात को मीडिया के सामने लाया गया तो आज गंज वासुदा की मीडिया ने इस पहल को आगे बढ़ाया है और ये पहल तब तक आगे बढ़ती रहेगी जब तक कि गंज वासुदा को जिला बनाने की घोषणा नहीं कर दी जाती है। कोर्स क्रम में आज मीडिया के द्वारा गंज वासुदा की मीडिया के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया गया है। वहीं ये क्रम लगातार जारी रहेगा और समय समय पर गंज वासुदा के अंदर ज्ञापन ही नहीं आंदोलन भी किए जाएंगे जिनको एक चरणबद्ध तरीके से गंज वासुदा के अंदर निभाया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।